एडवोकेट है, मैं उनका तारुफ करा रहा हूँ अभी, जो कि एडवोकेट है नागपुर बॉम्बे हाईकोर्ट से, नागपुर बेंच, और वो काउंसिल रह चुके हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सर, जो है वो पीआईएल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के भी काउंसिल रह चुके हैं सर, ने काफी पीआईएल फाइल किया, अपीयर्ड इन वेरियस पीआईएल लाइक कोलम स्टारवेशन डेथ, डॉक मिनर्स, रिमूवल ऑफ रिलीजियस इंक्रोचमेंट्स ऑन रोड्स एंड राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा. सर जो है, सर हैज बीन स्टैंडिंग काउंसिल फॉर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड. सर जो है वो ही हैज बीन वेरी सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट, एंड सर वाज अपॉइंटेड एज एमिकस क्यूरी बाय हाईकोर्ट इन द मैटर्स लाइक मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस, खौती डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्राइबल्स, शेखावत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रेगुलेशन ऑफ स्कूल बसेस. He has been recognized as National Youth Award in 1994 by Government of India and his Shastri Gaurav Puraskar. He is practicing at Nagpur in Bombay High Court. So now I request our honorable distinguished Pridhos Mirza sir to please proceed. Sir, the dais for you. नौर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यू कैन शेयर हाजरी जी, आप कुछ कह रहे थे अनवर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने अभी आपका तारुफ पेश किया. जी जी मैं सुन रहा था. जी सर, मैं आप सभी मेहमान जो हमारे आज गेस्ट हैं उन सबको इस्तकबाल करता हूँ महाराष्ट्र यंग लॉयर एसोसिएशन की तरफ से और मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से, जो आज हम इस बहुत अहम बहुत इम्पोर्टेंट उन्वान में जमा हुए हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इसमें मस्जिद रोशनी सर आप डालेंगे अभी. थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हाजरीन, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद. उम्मीद है पिछला साल अच्छा ही गुजरा होगा, पूरी दुनिया के साथ तो बड़ा अजीब सा गुजरा है, और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अगला साल वैसा न गुजरे, बेहतर हो, सभी आप सेहतमंद रहें. जी जी, आज का टॉपिक जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स. अनवर साहब आपको म्यूट होना चाहिए. हाँ हाँ, कैपिटल डाल. जी जी जी. तो आज MYLA और मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों ने मुझे यहाँ मधु किया, बुलाया, इतनी इज्जत दी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. साथ ही आमना सामना जो इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार. ये जो टॉपिक आपने चुना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान या इस भारत का आईन, इसको बनाने में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन, ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इससे पहले इसी सब्जेक्ट को लेकर नागपुर से लीगल एड ग्रुप, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि इस सब्जेक्ट पर बात होनी चाहिए, और उन्होंने शुरू करवाया. मैं उनका भी यहाँ से शुक्र अदा करना चाहूंगा, नागपुर से लीगल एड ग्रुप के एडवोकेट मोहम्मद अतीक, एडवोकेट इमरान देशमुख साहब, इन लोगों का और उनकी टीम का, कि इस टॉपिक को उन्होंने चुना और इसकी तैयारी कर ली मुझे. इससे पहले हम लोग लेट एडवोकेट काजी यद करीमुद्दीन साहब के मेमोरी में एक लेक्चर सीरीज चला ही रहे हैं, वो वकीलों के लिए चलती है उनके ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आम लोगों के साथ उनका कंट्रीब्यूशन
और उनके साथ जो और 28 मुस्लिम मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका कंट्रीब्यूशन डिस्कस करने का कि मुझे खुशकिस्मती हुई है, आज एक मौका मिला है, मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में इस तरह की चर्चा होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं अपने आसपास कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं तो उनके बहुत ही निग्लिजिबल, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, ऐसे लोगों को इतना सेलिब्रेट करते हैं कि ऐसे लगने लगता है कि पूरा मुल्क उन्हीं के भरोसे चल रहा है। और हमारे इतने बड़े बड़े हीरो हैं इस मुल्क में, हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए हम भी उन्हें भूलते जा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ हाँ, तो हमारे लिए हमारे जो हीरोज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, लेकिन हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए उन्हें कोई नहीं जानता। कम से कम हम उनको जानते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन तो उनको जानेंगी ही नहीं, और उस वजह से वो एक पीछे हटते जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल सेटबैक है कि हमारी अगली जनरेशन को लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया ही नहीं है, तो उससे भी वो एहसास से कमजोरी से निकलने के लिए जरूरी है कि उन्हें हम बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया। जैसे कई बार बात होती है विमेन लिबरेशन की, यहां काफी विमेन्स मुझे नजर आ रही है, इसी की बात है, तो विमेन लिबरेशन की जब बात होती है तो पूरी दुनिया में सबसे पहली लेडी रूलर जो नॉन हिस्ट्री में है, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली लेडी रूलर, या इंदिरा गांधी से पहले दिल्ली सल्तनत पे या इंडिया पर रूल करने के लिए पहली रूलर तो रजिया सुल्तान थी, जिन्होंने उस वक्त के मर्दों का मुकाबला करके एक मुकाम हासिल किया, हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते। अकबर के साथ लड़ाई में कभी नहीं जीते हुए लोगों को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है इधर उधर, लेकिन महाराष्ट्र से चांद बीबी जो उनके खिलाफ खड़ी थी, हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते। तो इस तरह के जो हमारे अपने हीरोज हैं, अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा, और वो हमको फिर हमारे हीरोज को विलन के तौर पे पेश करते हैं, तो फिर से एक मर्तबा ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने हीरोज को सेलिब्रेट करूं। तो बात हो रही है जिनको हम मेमोरी में लेक्चर आज का हमने ऑर्गेनाइज किया है, काजी सैयद करीमुद्दीन साहब का। आप पेशे से वकील थे, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? काजी सैयद करीमुद्दीन साहब, आप बहुत मशहूर नामी गिरामी वकील हुआ करते, लेकिन उसी के साथ आप एक बहुत ही मशहूर पार्लियामेंट्रियन भी हुए हैं अपनी जगह। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि काजी सैयद करीमुद्दीन साहब का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन में क्या रोल हुआ। आप विदर्भ के यवतमाल जिले से आते थे और कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, खास तौर से फंडामेंटल राइट्स और दूसरे भी आर्टिकल्स। उमर माजिद साहब, अगर आप जी, तो काजी सैयद करीमुद्दीन साहब की जो पर्सनालिटी थी वो इतनी टावरिंग पर्सनालिटी रही है कि उस पर्सनालिटी के आगे कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स बहुत बौने नजर आए। सिर्फ जरूरत है उनको पढ़ने की। आज खुशकिस्मती है, मैं देख पा रहा हूं कि उनके नवासे मुइन काजी साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं हमारे ग्रुप में, मैं उनका भी खैर मकदम कर रहा हूं।
तो काजी करीमुद्दीन साहब को अगर मुझे होमेज देना है तो मैं चाहता हूं कि मैं उनका आर्टिकल 19 पर 2 दिसंबर 1948 को जो उन्होंने लेक्चर दिया था उसका कुछ पार्ट आपको सुना। उसकी वजह यह है कि आज हम उसको इस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे कि हमने अभी पिछले हफ्ते देखा कि दिल्ली के एक लॉयर एडवोकेट महमूद पराचा जो हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, उनके ऑफिस पर एक इलीगल रेड एक सर्च हुआ। वैसे यूपी के एक वकील को यूनिफॉर्म में पुलिस ने घर से खींच के ले गया, उसका वीडियो हमने सब जगह देखा। तो इस तरह के जो जुल्म हो रहे हैं तो वो उन्होंने 1948 में विजुलाइज किया था। तो उनको खराज अकीदत पेश करते हुए मैं उनके लेक्चर का कुछ पार्ट, जो लोग इंग्लिश जानते हैं उसके लिए आप मेरे साथ पढ़ते चले, मैं उनका हिंदी का लेक्चर पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीजें लोकसभा के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में आपको मिल जाए। तो 2/12/1948 का काजी साहब का लेक्चर हिंदी थोड़ी शकील है, जो मुश्किल होगी उसको ट्रांसलेट में करने की कोशिश करूंगा, साथ में आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। वो आर्टिकल 19 के बारे में कह रहे थे, आर्टिकल 19 उस वक्त आर्टिकल 13 हुआ करता था। महोदय, इस तथ्य को तो अस्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि यह अनुच्छेद है आर्टिकल, इस विधान के मसौदे की आत्मा है। इस अनुच्छेद के अभाव में यह विधान निष्प्राण हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं फ्रीडम्स की, आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमारे फ्रीडम्स को डील करता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच। यह भी समझ लेना चाहिए कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रखे गए अधिकार निसंदेह अविच्छेद अधिकार, यानी यह अलिनेबल नहीं है, किसी को दिए नहीं जा सकते। पर सवाल यह है कि अधिकार सरकारों की इच्छा के अधिकार अधीन होंगे अथवा यह ऐसे सिद्धांत है जिन्हें हम निर्माण कर रहे हैं और जो न तो विधि का ही विषय होंगे और न विधानमंडल की इच्छाओं के ही अधीन होंगे। मेरा निवेदन है अनुच्छेद 13 के उल्लेखित सिद्धांत ऐसे व्यक्ति के ऐसे मूलभूत अधिकार है जिन्हें विधानमंडल की इच्छा के अधीन किया ही नहीं जा सकता, किंतु इस अनुच्छेद के खंड 2 से लगाए 6 जनता से उसी आश्वासन को वापस ले लेते हैं जिसके कारण वे निशंक रह सकते हैं। आप बात कर रहे थे आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2-6 की, जो ये कहते हैं कि ऑल द फ्रीडम्स दैट आर ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19(1) वुड बी सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय दिस सब आर्टिकल्स 2-6, जिसमें सरकारें कानून बना सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि खंड 2-6 बहुत ही खतरनाक खंड है। मान लीजिए उस वक्त यूपी नहीं हुआ करता था, लेकिन वो क्या बात कर रहे थे, मान लीजिए किसी राज्य में एक ऐसा राजनीतिक दल है जो केंद्रीय सरकार का विरोधी और वो राजनीतिक अल्पसंख्यकों अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही घातक कानून निर्माण करता है, तो इस संबंध में क्या किया जा सकता है? लोगों को कष्ट सहने पड़ेंगे, और अकथनीय क्लेश सहन होंगे, विशेषकर वर्तमान कानून के प्रवर्तकों के अधीन शब्द बड़े ही अन्यायपूर्ण है। आज भारत में क्या स्थिति है, लगभग वैसी ही है जैसी कि एक घिरे हुए देश की होती है। समस्त प्रांतों में गुंडा लोकक्षेम इत्यादि अधिनियम लगे हुए हैं जिनकी न तो अपील है और जिनके अनुसार गिरफ्तार किए हुए न किसी वारंट की आवश्यकता है और अनुचित रूप से तलाशी ली जा सकती है। इस सब के बावजूद इस अनुच्छेद में यह बात रख दी गई है कि यह सब कानून मान्य रहेंगे, ये सब कानून जिनके अधीन न तो अपील हो सकती है और न समुचित प्रतिनिधान का प्रावधान करते हैं, ये सब कानून अनुच्छेद 13 के अधीन मान्य रहे हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि आजकल हम लोग विकट स्थिति में हैं, किंतु इसका अर्थ तो ये नहीं कि अनुच्छेद 13 की रचना विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए। अनुच्छेद के एक भाग में शांतिपूर्व निरायुध सम्मेलन यानी अनआर्म्ड असेंबली की बात हो रही है अधिकार दिया गया है, विधान निर्माताओं द्वारा इससे अधिक और क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता था, और इसके अतिरिक्त भी राज्य के विधान मंडलों को और भी अधिक प्रतिनिधि प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है जैसा कि खंड 3 और 4 में दिया गया है। यह प्रश्न यह है
कि कोई विशेष कानून लोकहित में है या नहीं, साथ ही ये सवाल है कि ऐसा करने का अधिकार न्यायाधीश वर्ग को सौंपा जाना चाहिए या राज्य के विधानमंडल को। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यह बात भली प्रकार समझ ले कि मौलिक अधिकारों के संबंध रखने वाले इन खंडों का निर्वाचन हम विधानमंडलों की इच्छा पर नहीं छोड़ सकते। तो आप बात कर रहे थे और आगे चार लाइन पढ़ूंगा मैं। प्रत्यक्ष है कि ऐसी अवस्था में राज्य के विधानमंडलों में से प्रत्येक के बहुमत के लिए अल्पमत के प्रति अन्याय करना पूर्णतया संभव होगा, चाहे फिर वह अल्पमत राजनीतिक हो अथवा सामुदायिक, यानी अगर माइनॉरिटी पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, अगर सरकारों को उनके लिबर्टीज और फ्रीडम्स को कंट्रोल करने के कानून बनाए जाएंगे तो उनके साथ बहुत जुल्म होगा। यह आपने 1948 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर कहा था, ये रिकॉर्डेड उनका लेक्चर है और यही मेरी उनको खिराज अकीदत है। आपके इतने एहसानात हैं माइनॉरिटीज पर। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि जिस रूप में यह अनुच्छेद है यदि यह इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो मेरा निवेदन यह है कि इससे उन अधिकारों का हरण हो जाएगा जो इस विधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 8 यानी आर्टिकल 14 था उस वक्त, राइट टू इक्वालिटी। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत थी, जब आज हम 70 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के 70 साल में जब हम आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह नहीं जानते, तो उस वक्त जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जब मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो तब के मैं जब काजी साहब के लेक्चर्स पढ़ता हूं, जब वो पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो यूगोस्लाविया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सर अकीदत में झुक जाता है। उन्होंने उस वक्त ये पढ़ाई कहां से की? एक छोटे से गांव से आए थे। यवतमाल एक बहुत छोटा सा शहर उस वक्त हुआ करता था, जहां आप जिस जिले में आप पैदा हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई हुई और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम तमाम लोगों के लिए लड़ाई की। अब आपके साथ इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कौन था, उन्हें भी याद करना बहुत जरूरी है। तो कश्मीर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग थे, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी साहब थे। बिहार से हुसैन इमाम साहब थे, सैयद जाफर इमाम थे, लतीफुर रहमान थे, मोहम्मद ताहिर थे, तजम्मुल हुसैन चौधरी साहब थे, चौधरी आबिद हुसैन साहब थे। बॉम्बे से अब्दुल कादर थे, सीपीएन बिरार से काजी सैयद करीमुद्दीन थे। मद्रास से मोहम्मद इस्माइल, केटीएम अहमद इब्राहिम, महबूब अली बेग, बी पोखर साहब। यूनाइटेड प्रोविंस से मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, बेगम अजीजा रसूल, अजीज रसूल, बेगम कुत्सिया अजीज रसूल पूरा नाम उनका, हैदर हुसैन, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इस्माइल खान, रफी अहमद किदवाई, जैदी, जैदी साहब, हिफ्जुर रहमान, सिवर वर्वी। आसाम से मोहम्मद सादुल्ला, अब्दुल रऊफ। वेस्ट बंगाल से राघव बैसन, जसीमुद्दीन अहमद, नजरुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हलीम। और त्रावणकोर से के ए मोहम्मद, शायद कोई नाम अगर छूट गया, लोगों ने कोशिश की कि पूरे नाम। अब ये जो लोग थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसका इलेक्शन जुलाई 1946 में, एक मोटा मोटा हिसाब था कि 10 लाख लोगों पर एक मेंबर हो जाए, जिसमें 208 कांग्रेस से थे और 73 मुस्लिम लीग से, 73। पार्टीशन के बाद ये बात हुई कि उसमें से 28 इंडिया में रुक गए, जो हमारे सामने है, और कुछ कांग्रेस के जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट के थे। तो अब जो मुस्लिम लीग से चुन के आए थे वो लोग इंडिया में क्यों रुक गए, कौन लोग हैं? एक बात हमको समझने की जरूरत है कि हम जो इंडियन मुस्लिम हैं, हम कौन लोग हैं? हम उन लोगों के औलादे हैं, या आप में से कुछ जो प्री इंडिपेंडेंस पैदा हुए हैं, आप वो लोग हैं जिनके पास 15 अगस्त 1947 को दो जाने के बाद में आप ही थे जो है ये फिर रहा था गुलाम नबी के पीछे। अजीम खान साहब प्लीज, इन्हें वकालत कर रहा नहीं करा, फिर वो फिरा लेकिन बहुत जल्दी संभल गए, समझ में आ गया कि साला ये तो गलत हो रहा।
मैं अजीम खान साहब आपसे उम्मीद है हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो हम वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों के पास या जिन लोगों के पास दो ऑप्शन थे, सिर्फ मुसलमान ही है जिनके पास ऑप्शन थे, वो या तो वो मुल्क चुने जो एक मजहब की बुनियाद पर बन रहा है, या वो मुल्क चुने जो बाप दादा का मुल्क था, जो जमीन बाप दादा की थी, और जो मुल्क सेक्युलरिज्म और इंसाफ के बिना पर बन रहा है। तो हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क चुना क्योंकि वो सेक्युलरिज्म चाहते थे, वो इंसाफ चाहते थे, और ये वादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो उन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स का रेजोल्यूशन पेश किया था, उसमें ये वादा सबसे पहले किया था। जो आज कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर ये वर्ड बाद में चुन गया, ये बड़ी अजीब से आर्गुमेंट है। खैर, तो रेजोल्यूशन के मैंने सिर्फ दो पार्ट्स लिया है, काफी बड़ा था। अगर पांचवा हम पढ़े तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स कहता है कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith। ये नहीं कि आपको अपना faith या belief के बारे में collector से permission लेना पड़े जिस तरह के नए कानून आ रहे हैं, वो नहीं था। aim ऐसा था कि आपको फ्रीडम होगा बिलीफ और फेथ का, वर्शिप का, वोकेशन का, एसोसिएशन का। ये नहीं कि आप कहीं एसोसिएशन बना रहे हैं, आप असेंबली कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ के, एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरल। उसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेर इन एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यह सबसे पहला वादा था हमारे साथ 13 दिसंबर 1946 को हुआ। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात चल रही थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, आपने अपने लेक्चर में और एक वादा किया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 1947, जब आप हमारे बुजुर्गों को तय करना था कि उन्होंने कहा। वो कहते हैं टू ऑल द माइनॉरिटीज इन इंडिया We give the assurance that they will receive fair and just treatment and there will be no discrimination in any form against them। ये नहीं होगा कि मजहब के नाम पर कोई कानून बनेगा, जैसा अभी हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया। ये नहीं होगा कि आपके साथ में फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट नहीं, their religion, their culture and their language are safe, they will enjoy all the rights and privileges of citizenship। ये वादा किसी चुनावी इस प्रोग्राम का नहीं, ये कोई चुनावी भाषण का वादा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया हुआ स्टेटमेंट है जो रिकॉर्डेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। और इन वादों को देखते हुए हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चुना था क्योंकि उनको यकीन था कि इन वादों को पूरा किया। तो ये कौन लोग थे जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो देखिए, उस वक्त टोटल 15 लेडीज हुआ करते थे। उन 15 लेडीज में एक थी बेगम तुलसिया एजाज रसूल। अब उस वक्त सोचिए लेडीज की क्या पोजिशन थी, लेकिन एक थी जो राज्यसभा में रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रही, राज्यसभा में रही, आप पद्म भूषण अवार्डी हैं, आपने सोशल वर्क में बहुत सारा काम किया है, आप यूपी से आती थी, आपने इंडियन वुमेन हॉकी फेडरेशन को 20 साल सदारत की, एशियन वुमेन्स हॉकी फेडरेशन की भी सदारत की, आप बहुत ट्रैवल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को आपने अलग अलग जगह रिप्रेजेंट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने
आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही काबिले जिक्र है। आपने औरतों के हकूक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे मुस्लिम्स के लिए पहले आपने उसको नकारा और कहा, उन्होंने कहा था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा अगर हम इसको अपनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, पहले हमारे मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। मौलाना हसरत मोहानी, आपकी अगर बात करें तो आप शायद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे ज्यादा, जिनके बारे में चर्चा हुई पूरे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, पूरे डिबेट्स में जिनका सबसे ज्यादा जिक्र आता है, वो शख्सियत तो आप वो थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया इस मुल्क को। यूनाइटेड प्रोविंस से आते थे, फेडरलिज्म पर आपके डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इंडिया का हम यूनिटरी हो या फेडरल हो इसके लिए आपने बहुत मेहनत की। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, हुकूक के लिए आप लड़े, लेकिन आप रिजर्वेशन के खिलाफ थे। जमींदारी सिस्टम के अबॉलिशन का आपने बहुत कोशिश की कि जमींदारी अबॉलिश हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए हम कुछ लोगों को हीरो बनाते हैं कि उन्होंने कश्मीर के लिए लड़े, जबकि हिस्ट्री देखे तो वो कहीं नजर नहीं आते। वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में थे जिनको कश्मीर का हीरो कहते हैं, लेकिन जब आर्टिकल 370 पेश हुआ तब कंस्टिट्यूएंट आप लोग हमारी आवाज उम्मीदें सुन पा रहे हैं है। तो जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 370 पेश हुआ तो वो जो आज हीरो बताए जाते हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन चुप थे, उन्होंने कोई सवाल कभी नहीं किया। एक ही शेर था जिसने आर्टिकल 370 को ऑब्जेक्ट किया था उस वक्त और पूछा था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। और गोपाल स्वामी अयंगार जिन्होंने ये आर्टिकल पेश किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, तो उनको पूरा समझाना पड़ा था, फिर भी आप मुतमईन नहीं थे। और वो थे मौलाना हसरत मोहानी, वो अकेले थे जिन्होंने आर्टिकल 370 को ऑब्जेक्ट किया। हिस्ट्री अब इसको किस तरह से जज करेगी ये हिस्ट्री देखिएगी। सर सैयद मोहम्मद सादिक, देखिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं वो इसलिए कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और आपका ड्राफ्ट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने देखते हैं। 2 साल 11 महीने 17 दिन की मेहनत है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में उनके शाना बशाना से कंधा लगा के सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। आप ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, आप आसाम से आते थे, आपने बहुत अलग अलग तरह के जो माइनॉरिटी राइट्स ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हम आगे देखेंगे कि आपने क्या डिस्कस किया। मोहम्मद इस्माइल साहब जो आप आते थे मद्रास से, आपने जो इंडियन मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपने बनाई हुई है इंडिया में, नजीरुद्दीन अहमद आपका कंट्रीब्यूशन तो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि शायद आपके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा रहे, क्योंकि आप वो शख्सियत है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी अगर किसी से हमेशा अलर्ट रहती थी तो नजीरुद्दीन अहमद, कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस आपने जितने करेक्ट कराए और किसी ने नहीं। एस के चाजी साहब ने अपना जो लास्ट लेक्चर था 21 नवंबर का 1949 उसमें जिक्र किया कि नजीरुद्दीन अहमद साहब को तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्पेशल थैंक यू कहना चाहिए।
आपकी सबसे बड़ी जो खिदमत है वो आर्टिकल 17 यानी अनटचेबिलिटी, उसमें क्लैरिटी लाने की आपने बहुत कोशिश की। खास तौर से आप चाहते थे कि उसमें कास्ट के साथ में रिलीजन भी होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि हमने अभी जब कोरोना की शुरुआत में देखा मार्च अप्रैल जून में, मार्च अप्रैल मई के आसपास, कि कई जगह मुस्लिम ताजिरों को अनटचेबल्स जैसा जो सब्जी बेच रहे हैं वगैरह हम टीवी पे देखते, अगर उनकी बात उस वक्त मान ली जाती। देखिए उन्होंने 70 साल पहले देखा था फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो उनके बहुत कंट्रीब्यूशन रहे। आज हम जो बात कर रहे हैं, मैं माइला वालों से सैयद अनवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से, कि देखिए 28 लोगों का रोल एक दिन एक घंटे या 40-50 मिनट में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। हर आर्टिकल, उस टाइम 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, हर आर्टिकल पे इन अजीम शख्सियत ने अपनी राय रखी है और उस राय से फिर वो आर्टिकल फाइनलाइज हुए हैं। तो हमको तो अलग या तो एक एक के बारे में बात करनी पड़ेगी या एक एक आर्टिकल हमको डिस्कस करना पड़ेगा। सैयद रऊफ साहब, हम देखते हैं आर्टिकल, उस वक्त आर्टिकल 9 हुआ करता था, अब वो आर्टिकल 15 और 16 है, दो हिस्से में बता, जिसमें सॉरी आर्टिकल 9 अब आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें पहले प्लेस ऑफ बर्थ नहीं थी। उन्होंने वो समझाया पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अगर मुल्क को हम पूरा एक कर रहे हैं तो कौन कहां पैदा हुआ उसलिए उसके साथ कोई फर्क नहीं किया जा सकता। और फिर प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 और 16 में इंट्रोड्यूस हुआ। यह सैयद रऊफ साहब की वजह से हुआ है। रफी अहमद किदवई साहब पहले कम्युनिकेशंस मिनिस्टर थे हमारे, जहीरुल हसन लारी आप भी यूपी से आए थे, आपने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं 2020 में 2021 में और कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन ये मदर टंग यानी मादरी जबान में, आपने इसी बात की वकालत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की थी और उस वक्त समझाया था कि आप मदर टंग में एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट रखिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया था विद राइडर के 10 साल के बाद इसको फंडामेंटल राइट बनेंगे, लेकिन वो होते होते 2009 आ गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रही है, ये आपका जाहिरुल हसन लारी साहब की वजह से है जो आज मदर टंग में एजुकेशन मिल रहा है। उसके बाद में आपने जो एक आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 में एक फेयरनेस की बात की थी कि किसी भी शख्स को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से उसको डिप्राइव कर रहे हो, तो फेयर प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, इसका आपका बहुत ही बड़ा रोल रहा। तो ऐसे बहुत अजीम शख्सियतें रही है हमारे बीच से आई हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप देने में उनका रोल रहा है। और वो चाहते थे, उस वक्त वो देख रहे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो चाहते थे कि कोई भी ऐसे कंटेंशियस इश्यूज न रखे जाए कि आने वाली जनरेशन को उससे प्रॉब्लम हो। ऐसा ही एक कंटेंशियस इशू है अगर हम देखें तो वो है काउ स्लॉटर। आज हमने हमारे कई भाइयों को खोया है एक गलत इल्जाम है। हम देख रहे हैं मॉब लिंचिंग सिर्फ इस शक पर के बीफ है इस शक पे हुई। तो उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जिनकी मैं बात कर रहा था, जहीरुल हसन लारी साहब, आपने ये कहा था कि इट्स बेटर टू कम फॉरवर्ड एंड इनकॉर्पोरेट अ क्लॉज इन फंडामेंटल राइट्स दैट काउ स्लॉटर इज हेंसफोर्थ प्रोहिबिटेड। वो फंडामेंटल राइट में चाहते थे रैदर देन इट बीइंग लेफ्ट वेग इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो चाहते थे कि बिल्कुल वेग ना। वैसे ही मोहम्मद सादुल्ला साहब ने फरमाया था, आई डू नॉट ऑल्सो वॉन्ट टू अब्स्ट्रक्ट द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे कम आउट इन ओपन एंड से डायरेक्टली दिस इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, द काउ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्लॉटर एंड देयर फोर वी वॉन्ट इट्स प्रोविजन आइदर इन द फंडामेंटल राइट्स और इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आप उस वक्त के पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए ये बात कह रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा। अगर सोचिए उस वक्त फंडामेंटल राइट्स में होता तो
तो 1950 से आज तक के कई सारे जो दंगे हुए वो रोके जा सकते थे। एक गलत नैरेटिव जो पैदा करने का मुल्क के दुश्मनों को मौका मिला या मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिला, उससे बच सकते थे, कई जाने बच सकती थी। तो आप इन लोगों के बारे में सोचिए कि 70-71 साल पहले इन लोगों को कितना दूर का नजर आता, बहुत दूर का इन्होंने देखा था। और उस वक्त ये हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन की भलाई के लिए लड़े, हमने इनको बार बार याद किया, हमने इनका जो हमारे लिए इन्होंने किया है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको बार बार याद किया, तभी हम आज जो चल रहा है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर देखा। काजी साहब ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में तकरीबन हर इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर अपनी राय रखी, लेकिन हमको उनका आखिरी लेक्चर जो 21 नवंबर 1949 को हुआ था वो पढ़ना समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम वो पढ़ते हैं तो हमको हमारा पास्ट भी समझ में आता है और फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है ये भी। तो उनको फिर से एक मर्तबा मैं कोट करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में उनका आपके साथ शेयर कर रहा हूं और साथ ही हिंदी में मैं पढ़ता चलूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं मसौदा समिति को कि उसने ये व्रत कार्य संपादित किया। मैं धन्यवाद देता हूं नजरुद्दीन अहमद को उस कठोर काम के लिए जिसको उन्होंने ग्रहण कर रखा था, पर इसके लिए मसौदा समिति की तरफ से धन्यवाद का एक शब्द भी उनको नहीं मिल पाया। खासतौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर आम्बेडकर को कि उन्होंने संविधान निर्माण का महान कार्य इस खूबी से पूरा किया है और इस शानदार ढंग से अपने मसौदे की यहाँ वकालत की। मैं जानता हूं कि उनके सामने बड़ी कठिनाइयां थी और उसका एक उदाहरण है मेरा वह संशोधन जिसे मैंने नाजायज तलाशियों के खिलाफ, ग्रहों और व्यक्तियों के तलाशी के खिलाफ पेश किया था। सभी ने उसे पहले तो स्वीकार किया, पर एक सप्ताह तक स्थगित रखने के बाद विचार किए जाने पर सभा ने उसे नामंजूर कर। ये क्या था, व्हाट वॉज दिस अमेंडमेंट? ये बड़ी मजेदार किस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 512। आर्टिकल नंबर 512 अगर हम देखें तो अगर वो उस वक्त मंजूर कर लेते तो आज शायद आप लोग आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 512 पढ़ पा रहे हैं। द राइट ऑफ द पीपल टू बी सिक्योर इन देयर पर्संस houses, papers and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated and no warrants shall issue but upon probable cause supported by oath or affirmation and particularly describing the place in the search and persons or things to be seized। आज हम देखते हैं कि बहुत ही unreasonable, जब जिसकी मर्जी आए हमारे घरों में घुस आते हैं, सर्चेस होती है, अरेस्ट होते हैं। आपने एक अमेंडमेंट रखा था 512 नंबर का 512 आर्टिकल 21 के साथ, आर्टिकल 19 और 21 के साथ, कि ये इसमें शामिल किया जाए कि आर्टिकल 20 और 22 के किसी भी शख्स के साथ उनके वो अपने घरों में अपने आप को सेफ समझे, कोई अनरिजेबल सर्च ना हो, सीजर ना हो। अगर आपको करना है और वारंट, अगर उसके लिए वारंट आना जरूरी है कोर्ट से, और जो पुलिस वाला वो वारंट ले रहा है उसने अपना पर्सनल अफिडेविट फाइल करना चाहिए कि उसको कौन सा डॉक्यूमेंट ढूंढना है, कौन सा कंप्यूटर ढूंढना है, कौन से कमरे की तलाश लेना है और क्यों लेना है, ताकि वो बाद में उसको पकड़ा जा सके कि भाई आपने तो झूठा कर दिया। तो जब ये अमेंडमेंट आया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने माना कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको मंजूर करना चाहिए। असेंबली वाइस प्रेसिडेंट ने वोटिंग के लिए रखा,
आवाज से वोटिंग हुई। वाइस चेयरमैन ने प्रेसिडेंट ने कहा कि ओके ये मंजूर हो गया। उस टाइम टी रामास्वामी हुआ करते थे कांग्रेस के लीडर। आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मंजूर नहीं हुआ, फिर से वोटिंग को रखा गया। फिर से उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं ये इकलौता ऐसा अमेंडमेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ मैंने आवाजों से सुना कि वोटिंग में ये जीत गए, ये अमेंडमेंट मंजूर, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मान लिया है कि मंजूर। फिर उन्होंने अपडेट किया कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ, वो झंझट हुई और वो एक हफ्ते बाद कंसिडर करने के लिए था। एक हफ्ते बाद उस आर्टिकल पे कोई चर्चा नहीं हो रही थी, अचानक बीच में अमेंडमेंट लाया गया। नजरुद्दीन साहब चिल्लाते रह गए कि अरे इस पे चर्चा होनी चाहिए। उसी बीच सबने तब तक के तय हो चुका था कि ये न लिया जाए, क्योंकि उस वक्त हुक्मरानों को लग रहा था कि हम कभी भी पावर से बाहर नहीं जाएंगे। और ये अमेंडमेंट 512 इस तरह से डिफीट हुआ। अगर ये आज होता तो आज जो पावर से बाहर हुए हैं लोग, जो उनके पीछे ईडी आ रहा है, उनके पीछे यूपीए आ रहा है, उनके पीछे इनकम टैक्स आ रहा है और पुलिस आ रही है, वो नहीं आ पा। तो उन लोगों ने आज याद करना चाहिए काजी साहब, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, नहीं माने वही भुगत रहे हैं। तो ये काजी साहब की बात थी। आगे आप कहते हैं निसंदेह आज का यह अवसर हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक अवसर है। देश के जीवन में आज का दिन बड़ी ही खुशी का दिन है, जबकि शताब्दियों की पराधीनता यानी गुलामी के बाद विदेशी प्रभुता के बाद आज हम अपने भाग्य के निर्माता बन पाए हैं और अपने लिए संविधान बना पाए हैं। इस संविधान से कोई सहमत हो या असहमत, पर है ये अपना संविधान। मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त भी लोग थे जो संविधान को नहीं मानने के लिए तैयार हुए। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो चलाता था, ऑर्गेनाइजर नाम का एक आज भी चलता है, आरएसएस। उन्होंने उस वक्त छापा था कि ये कैसा संविधान, इसमें तो कोई भारतीयता नहीं है। हमारा संविधान तो मनुस्मृति है जो हजारों साल से चला है, ये उनके लिए थी। आज हम स्वाधीन अवश्य हो गए हैं, पर संविधान द्वारा ये गारंटी नहीं मिलती है कि सभी वर्गों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। इस संविधान में लचीलापन नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो इस आशय का एक संशोधन आया था कि संविधान के उपबंधों में 5 साल के अंदर असाधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, वो कोई पेश नहीं किया गया। इसीलिए अगर आज ये संविधान एक बहुमत प्राप्त दल द्वारा या एक सिद्धांत को मानने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत है, तो आगामी पीढ़ी के लिए हमें इसमें संशोधन करना बड़ा कठिन होगा। वो इसमें तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक कि 2/3 का बहुमत उनको न प्राप्त हो जाए। सो न केवल हमने अपने लिए संविधान तैयार किया है, बल्कि अपनी संततियों में आने वाली जनरेशंस पर इसे लाद भी दिया है। कहने का मतलब यह है कि हमारा यह फर्ज था कि संविधान में लचीलापन रखते, पर हमने ऐसा नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है कि भारत एक मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है कि भारत को एक असंप्रदायिक राज्य घोषित किया गया। देखिए फिर से मैं कहूंगा कि जो सेक्युलरिज्म को आज अपोज कर रहे हैं, ये नया टर्म, एक तो साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया, जो बाहर बहुत ही हमारे बुजुर्गों के लिए और हिस्ट्री के लिए झूठी बातें करने पर मशहूर है। ऐसे शख्सियत अब पार्लियामेंट में पहुंच गए और वहां से वो कहते हैं कि सेक्युलर ये वर्ड आप ड्रॉप कीजिए। ये उसका जवाब है। तो मुझे इस बात का बड़ा अभिमान है कि भारत को एक असंप्रदायिक राज्य घोषित किया गया है। 9 से 30 तक के सभी अनुच्छेदों के उपबंधों में धर्म, जाति या प्रजाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है, तथा सरकारी नौकरियों के बारे में या संपत्ति को रखने या देने के बारे में सबको समान अवसर दिए गए। अब देखिए 70 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा, यानी वो नहीं कर रहे थे। आज देश में जो सांप्रदायिक कटुता और कलह दिखाई दे रहे हैं, उनको हमें खत्म करना ही है। संविधान को हमें अपनी भावना से कार्यान्वित करना होगा,
जिस भावना से इसकी रचना की गई, मैं सागर इस बात की अपील करूंगा कि हमने अपने आदर्शों के अनुसार ही चलना चाहिए, ताकि लोग यह न कहने पाए कि हम अपने सिद्धांतों पर अमल नहीं करते। आज मैं देख रहा हूं श्रीमान कि रक्षा विभाग और रेलवे विभाग की जो नीति है वो हमें आर्थिक आत्मघात की ओर लिए जा रही है, और मैं निवेदन करूंगा कि सबको समान अवसर और समान रूप से नियुक्ति देने के बारे में जो उपबंध हमने मंजूर किए हैं, उन्हें अगर हमने सच्चे दिल से मंजूर किया है तो इन दोनों विभागों में जो सांप्रदायिक कार्रवाई चल रही है उनको हमें रोकना होगा। भारत में मुसलमान होना अनर्था की बात न मानी जानी चाहिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए मुसलमान। मुझे विश्वास है कि यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों के दिलों पर में भरोसा और विश्वास पैदा करेगा, ताकि वो इस देश को अपना देश समझ सके। दूसरी समस्या है यहाँ अल्पसंख्यकों की समस्या, जिसका जिक्र यहाँ माननीय मित्र सरदार मान ने किया। मुझे इस बात का अभिमान है श्रीमान कि जब यहाँ संविधान का द्वितीय पठन हो रहा था, उस समय सर्वप्रथम मैंने स्थान रक्षण की व्यवस्था उठाने का प्रस्ताव रखा। उस समय अनुपाति प्रतिनिधान की व्यवस्था के लिए वकालत मैंने जरूर की थी। अनुपाति प्रतिनिधान की बात तो नहीं मंजूर की गई, पर स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठाने की बात को सभा ने स्वीकार कर लिया। पहले क्या था कि हमको एक रिप्रेजेंटेशन मिलता जो सिर्फ मुसलमान ही मुसलमानों को थी, तो बात चली कि इससे अलगाववाद पैदा होता है। काजी साहब ने भी कहा कि अब ये बंद होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम यहाँ 15% तो 15% हमारे लोग आने चाहिए। तो उस वक्त ये बात तो मान ली गई कि हाँ जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो खत्म कर दिए जाए, लेकिन जो दूसरी बात थी उसको साइड कर दिया गया। इसकी भी बड़ी मजेदार हिस्ट्री थी। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, मैं यहां रुकते हुए आपको हिस्ट्री बता सकती हूँ बड़ा कि किस तरह की चीजें हमारे मेंबर्स ने उस वक्त फेस की। एक कमिटी बनी थी, एडवाइजरी कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था कि इंडिया में माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन जरूरी है एससी के अनुसार। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उससे पहले यह रेजोल्यूशन मंजूर हो चुका। 14-10-1949 को अचानक वो रेजोल्यूशन को रीओपन किया। ये इकलौता रेजोल्यूशन है जिसको रीओपन किया, और रीओपन करने के बाद उसमें से माइनॉरिटी वाला पार्ट डिलीट कर दिया। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, वरना इलेक्टोरेट में भी और सर्विसेज में, एजुकेशन में भी आपके लिए रिजर्वेशन उस एडवाइजरी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर दिया। आर्टिकल 296 और 299 पहले हुआ। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गत 60 साल में हम जिन सुविधा और विशेषाधिकारों का उपयोग करते आए वो अब खत्म कर दिए गए, और हमें अब यहाँ के बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी की सद्भावना पर निर्भर रहना होगा, और उनकी सद्भावना से ही हमें सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि तमाशा अहले करम देखते हैं, अपने भविष्य के लिए हम यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय की उदारता की ओर आज लगाए बैठे। हमने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है इसलिए कि बहुसंख्यक समुदाय की यही इच्छा थी। जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया है वो यहाँ किसी के प्रतिनिधि नहीं रह गए। मैं अथवा श्री तजम्मुल हुसैन या बेगम एजाज रसूल सभी मुस्लिम लीग के भंग होने जाने के बाद वस्तुतः यहाँ किसी के प्रतिनिधि नहीं रह गए। इसीलिए मेरा कहना है कि हम एक बहुत बड़ा प्रयोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज देश में जो तीव्र सांप्रदायिक कटुता फैली हुई है, इसमें परिमाणों के न रह जाने पर मुसलमान आगामी निर्वाचन में सफल होंगे, उनको नौकरियों में जगह मिल पाएगी, यह कहना संदेहास्पद ही है। आशा करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि कांग्रेस के शीर्ष स्थानीय नेता लोग, खास करके वो लोग जो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को उठाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस बात की कोशिश करेंगे कि यहाँ आगे चलकर लोगों में परस्पर सहयोग की भावना पैदा हो
और सार्वजनिक जीवन में मुसलमानों को समुचित स्थान मिले। आगरा के अपने मित्र श्री कपूर को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना संशोधन पेश करते समय अपनी वक्तृत्व में यहाँ यह कहा था कि अब बहुसंख्यक समुदाय को अपने उस महान दायित्व को समझना चाहिए जो पृथक प्रतिनिधान प्रणाली की व्यवस्था के उठ जाने से उन पर पड़ा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, खासतौर से इसके काजी साहब, उन्होंने यहाँ इंडियन मुस्लिम्स का फ्यूचर देखा था, उसको सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो लड़ते रहे। और अगर अब इससे थोड़ा आगे बढ़े माइनॉरिटी राइट्स से, तो फेडरल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, इनके जितने आर्टिकल्स हैं उनको एक शेप देने में इन सभी 28 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमको उनके एक एक आर्टिकल, एक एक पर्सनालिटी का इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट बात करनी चाहिए। तो मैं फिर से आज के ऑर्गेनाइजर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कीजिए और हमारे हीरोज को सेलिब्रेट कीजिए ताकि अगली जनरेशन को पता चले कि हमारे हीरोज कौन थे, वरना वक्त ने किसी को नहीं बख्शा है, कब्रें भी खत्म हो गई है, तो हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी और फिर हम ही ढूंढते रहेंगे कि ये जो नाम लिखा है रास्ते पर, ये नाम किसका था, कौन था, जैसे और वो कहते चले जाएंगे कि ये हमारे बुजुर्गों ने ऐसा जीता था, ये ऐसा किया था, वैसा किया था। इस मुल्क को मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, ये हमने नहीं भूलना चाहिए। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से ऑर्गेनाइजर्स का, और इतने ज्यादा नंबर में आप लोग सब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे, सभी बीमारियों से बचाए रखे, आप सभी हर तरह की केयर करें और दुआओं में याद करते रहें। इसी दुआ के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच सर। आपने लास्ट में ये कर दिया, अभी लेट शुरू है तो वी कैन टेक 10 मिनट्स आल्सो। ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि हम ओवर बर्डन करें लोगों को, क्योंकि ये इतना ड्राई टॉपिक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, क्योंकि इसमें कोई ग्रीनरी नहीं होती। इंशाल्लाह इसे कुछ सवाल है तो बताएं। वैसे सर अभी फ्लो बना था, काफी लोग काफी आपकी पीपीटी मांग रहे हैं, कब लोग सब लोग आपसे ये कर रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं, ये तो सभी का है, ये सभी की मिली जुली विरासत है जी। अच्छा यहाँ मैसेज आया, थैंक यू फॉर फ्रॉम डॉटर एंड ग्रैंड, तो वो अगर कुछ बोलना चाहे तो देखे ना, आल्सो कन्वे देयर मैसेज, ग्रैंड डॉटर ऑफ काजी साहब। देखिए अभी ऐसा है कि यहाँ पे मोइन काजी साहब मौजूद है, अगर मोइन काजी साहब अगर आप कैमरा शुरू करें तो बहुत बहुत आपका हम शुक्रगुजार होंगे। आप बहुत पाए के राइटर हैं, ऑथर हैं मोइन काजी साहब, और अभी आपने एसके काजी साहब का जो रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन प्राइवेसी, इस पर आपका बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि आपने इस पर बोलना चाहिए, हम सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं अनवर अली साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोइन काजी साहब को रिक्वेस्ट करें कि अगला लेक्चर वो डिलीवर करें इस पर। मोइन काजी साहब शायद आप मुझे सुन रहे हैं, नजर तो आ रहा है मुझे स्क्रीन पर। मोहतरम मोइन काजी साहब आपसे मुद्दमाना गुजारिश है, आप नहीं शायद उनका, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आ रहा माइक जिसमें मैं देख रहा हूँ, तो मे बी फैमिली से जो भी अपने तासुरात बयान करना चाहते हैं आप लोग अपने। और एक काजी साहब के बहुत ही करीबी मुझे जनाब अकबर शारिद साहब भी नजर आ रहे हैं, थोड़ा अंधेरा होने से, वो अशका शेख के नाम से जुड़े हैं,
अच्छा अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मैं अनम्यूट करता हूँ, मैंने सबको म्यूट करके रखा है, आई एम सॉरी, मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। एक मिनट म्यूट म्यूट मिर्जा साहब हेलो जी फरमाए फरमाए हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम हेलो अकबर भाई आपको सुन रहे हैं सभी लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं अब्दुल फारूक की मुबारकबाद कामना से बहुत अच्छा आपने इंट्रोड्यूस करवाए और मेरी खुशकिस्मत यह है कि मैं पर्सनली काजी साहब से उनके पास बैठा हूँ, उनसे मिला हूँ और उनको मैं बहुत अच्छी तरह उनसे फैज भी उठाया हूँ बहुत से उसमें, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने इलाके के एक बहुत बड़े हीरो जो बहुत एक माने वकील भी थे और एक हमारे बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे जिनकी बहुत खिदमत है कौम के लिए, आपने उसको जाकर किया उनकी तमाम लेक्चर्स वगैरह जो है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस ऐप वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ये सिलसिला शुरू है और अल्लाह करे जोर कलम जोर बयां और ज़्यादा। खुदा हाफिज़। हाँ अस्सलाम वालेकुम। फिरदौस साहब मैं तारिक काजी हूँ। अच्छा लगा आपसे एक अरसा के बाद मुलाकात हुई। जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है बड़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी और मैं चाहता था कि खुद भी उनकी जो सवाल है इस पे कुछ लिखूँ, शुरू भी किया मैंने, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है जो आप जो है, तो मैं चाहूँगा कि आगे जाके जो भी लिखा जाए तो उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन करें उनके लिखने। एक मिनट आप जनाब एसके काजी साहब के फर्जंद हैं। जी हाँ जो आप हम सबसे मिल रहे हैं, बहुत खुशकिस्मती हमारी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था। जी आप एक अरसा हुआ मैं तो लंदन में हूँ यहाँ से जो, और एक अरसे से जैसा मैंने बताया आपसे कि मेरी इस सिलसिले में ख्वाहिश थी, जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उनका कोई रिकग्निशन नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, आज जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भी एक एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उनके बारे में ये होना चाहिए ताकि हमारी जनरेशन्स को हमारे लोगों को जिस सिलसिले में मालूम हो और वो इसको सेलिब्रेट करें और उनसे इंस्पिरेशन लें और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एडवोकेट इमरान देशमुख बड़े खूबसूरत नौजवान का एक फोटोग्राफ है, एक काला चश्मा लगाया हुआ, तो आप यवतमाल में प्रैक्टिस करते हैं और आपने लीड लेकर काजी साहब के मेमोरी में एक लेक्चर सीरीज शुरू जी, और ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो तकरीबन हर महीना या दो महीने में एक लेक्चर होता है, बड़े बड़े उसमें स्पीकर्स आते हैं जो वकीलों को एड्रेस करते हैं जी। तो यवतमाल से एक वकीलों के ग्रुप ने लीगेसी को जिंदा रखी है, भले ही उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने तो उसे काजी साहब को फोटो में देखा है जो बार रूम में लगी है, वहां में मैंने भी देखी है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने शुरू तो किया है। तो बॉम्बे के बहुत सारे भाई हैं हमारे साथ में, तो बॉम्बे के जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे आपने उनके साथ उनके नाम से कुछ शुरू करना था, अब्दुल कादर साहब और ए खान साहब थे बॉम्बे से। भाई मैं भी आप सबको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो है
उस सिलसिला शुरू किया और जो है तमाम दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी सिलसिला शुरू किया और इसके लिए मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा जी। मैं गौतम मोइन काजी साहब से बोलना चाहूंगा। मैं लिखा तो है मैसेज उसमें, उनके दुख्तर है नेक अख्तर सादिया, उन्होंने भी लिखा है कि शुक्रिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। मैंने लिखा है कि भाई हम पूरी उम्मत जो है हिंद की वो मकरूज है एस के काजी साहब की जो खिदमत है और जो जितने भी हमारे अकाबरीन है हमारे बुजुर्ग है उन सब की जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें जो प्रोविजंस हुए वो अनफॉर्चुनेटली राइट टू प्राइवेसी नहीं हो सका या लेकिन उनकी जो दूरंदेशी थी उस जमाने में और उन्होंने जो चीजें उस वक्त निशानदेही की अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम सब उनके मकरूज है कर्जदार है हम उनके इंडेप्टेड है और दुनिया में रिकॉग्निशन मिले ना मिले आखिरत में तो बेशक उनका अजर मिल ही रहा है मिलता रहेगा। ये मैं अपना बोलना चाह रहा था इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम लोग अभी इस बारे में सर से मैंने वो रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अभी और अपने जो जनरेशन है उनको डिफरेंट स्पीकर से जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जिन लोगों ने दस्तूर बनाने में उन लोगों के बारे में उनकी याद दहानी करते रहेंगे और उसके जरिए से हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारे लॉ मेकर हैं उनको भी याद दिलाएंगे करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने आकाब्रीन ने बहुत पहले आपको बताया था यही करना है वो नहीं किया गया इसलिए सारी प्रॉब्लम है आज के जमाने में। और किसी को और कुछ ऐड करना है मोहतरम? मोहतरमा कुछ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। उनकी जो फैमिली है वो कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। हाँ फैजान ताबिश फरमाइए जी जी। मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि जो कंट्रीब्यूशंस जो हमारे बुजुर्गों के हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वीडियो ऑन कीजिए। जी मैं सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जो हमारे बुजुर्गों की कंट्रीब्यूशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में तो उस पर अगर कोई किताब है तो वो आप रिकमेंड करें या फिर अगर इस तरह की कोई किताब नहीं है मौजूद तो उसको मतलब तरतीब देने की कोशिश की जाए। और तीसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने काजी साहब को सुना और सुनकर तो बहुत अच्छा भी लगा कि हमारे बुजुर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत नुमाया किस्म के कंट्रीब्यूशंस है तो उस लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क हुआ और उसके बाद जब ड्रॉबैक आया मतलब उम्मत में जिस तरह से पहले बेहतरीन जो हमारे जैसे मौलाना असद मोहानी साहब का जिक्र हुआ और दिगर लीडरान का जो है रहनुमाओं का जिक्र हुआ तो उसके बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान में वैसे रहनुमा क्यों नहीं देखे और आज भी अगर उनको ज़रूरत है कि वैसे रहनुमा आज भी उम्मत मुसलमान में हिंद के मुसलमानों में अगर आज भी वैसे मुसलमान पैदा हो वैसे नौजवान उठे जो अब ये जो मतलब के एक कैद खाने में जिस तरह उम्मत अपने आप को हिंदुस्तान में महसूस कर रही है हर मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल भी एकदम हमको डिप्रेस कर दिया गया है लेकिन हमको वो जो है एहसास दिलाया जा रहा है कि हम जो है सेकंड सिटीजन है जिस तरह से ये कह सकते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों हमको महसूस किया जा रहा है इसके मतलब नौजवान वो जो हम कह सकते हैं कि नौजवान के बारे में क्या करना चाहिए। बहुत सारे मौजिज यहाँ पे जी मैं फैजान ताबिश में अपने फ्यूचर को देख रहा हूँ।
इस कम्युनिटी के फ्यूचर को फैजान ताबिश में देखता हूँ। जी शुक्रिया सर, हम पास होते जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं फैजान साहब? जी सर, मैं मोहतरम जनाब अबरार फारूकी साहब जो जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं, मैं उनका फर्जंद हूँ। मैं SYBA सेकंड ईयर BA का पुणे जो है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और साथ ही साथ मैं UPSC कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई है जानकर के आप BA कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नौजवान बहादुर नौजवान आजकल मिलते ही नहीं है जो BA करते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें जो 28 लोगों की लिस्ट मैंने पढ़ के सुनाई, इनमें से कोई भी या BE यानी इंजीनियर नहीं था, इनमें ज्यादातर लोग BA और LLB थे। तो जो ये सब्जेक्ट्स लेते हैं ह्यूमैनिटीज वाले लॉ वाले, वो ह्यूमन से डील करते हैं। और सबसे ज्यादा हमको जरूरत है अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने की, हिस्ट्री पढ़ने की और सोशल स्टडीज की। उसमें हम कहीं पीछे चले गए पिछले 40 साल में, इसलिए हम इन चीजों को नहीं पैदा कर पा रहे, हम लीडर्स नहीं पैदा कर पा रहे। तो फैजान साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसकी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आवर फ्यूचर। बची बात किताब की, तो मैंने कहा आप लोकसभा के वेबसाइट पर जाइए, वहां पे डिबेट्स मिलेगा आपको, डिबेट्स को क्लिक कीजिए तो फिर वो देता है लोकसभा डिबेट, राज्यसभा डिबेट और कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। आप उसको क्लिक कीजिए तो वहां वो पूछता है आपको नाम के साथ, तो आपको जिन मुस्लिम या जिस भी पर्सन या मेंबर के बारे में चाहिए आप नाम डालिए, आपको मिल जाए। लेकिन एक किताब मुस्लिम नहीं आई है, उम्मीद है कि सबसे पहले मुइन काजी साहब की कोई किताब आए, क्योंकि उनके आर्टिकल्स काफी आ चुके हैं, अगर वो आर्टिकल्स का ही कंपाइलेशन करेंगे हमको आ जाएगा। तो देखते हैं वक्त के साथ, या फिर आप लिखिएगा वहां से उठा के। और मैं बेटे फैजान से ये कहना चाहूंगा कि एडवोकेट फिरदौस मिर्जा की सूरत में वो रहनुमा शायद नजर आ रहा मुझे। हम अब पुराने हो गए, हमारे लिए तो अब अगली जनरेशन को ही तैयार करना है। होंगे इंशाल्लाह। मिर्जा साहब, हेलो, कैन यू हियर मी? मिर्जा साहब, यस 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 यस, स्वागत है। नहीं, आपने जितने लोगों के नाम लिए, 28 लोगों के नाम लिए, और पीपल हु आर बॉर्न आफ्टर 1955, हम लोग ने इनके नाम कभी नहीं सुने। तो हाउ, देखो क्या हो गया कि हमारे मस्जिदों में या हमारे कॉन्फ्रेंसों में हमारे मुसलमानों का इतना बड़ा हाथ है, इसके बावजूद वी डोंट नो देम। और एक कौम जो है वो हमारे नामों को यहाँ से मिटाना चाहती, उनको गायब करना चाहती, तो इनको हम अपने लाइफ में कैसा एलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे ये ला सकते हैं? आपने कितने नाम दिए, और दे हैव रियली दे हैड अ विजन था उनके पास बात करने का, जो अमेंडमेंट करने का, वो हमारे पास आज किनके नाम नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि एक आदमी के ऊपर बात करनी चाहिए और ये सिलसिला चलने चाहिए आगे सब, तो जिससे हमारे जो पहले के जो बड़े बड़े ग्रेट लोग थे, जैसे अभी किसने कहा कि आज हमारे पास वैसे लीडर क्यों नहीं है, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई आज हमारे पास वैसे हजरत मोहनानी मौलाना उनके जैसे लीडर क्यों नहीं है हमारे पास, पर उनको क्या हो रहा है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मे बी ऐसे प्लेटफॉर्म पे से हमने उनको जगाना चाहिए, और आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं गफर साहब एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँ। देखिये, मैं नागपुर में हूँ, आप शायद मुंबई में हैं, कुछ अलग अलग जगह से भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ। हर जगह हर शहर में लोकल हीरोज पैदा हुए, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मुस्लिम हीरोज पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारे बच्चों को पसंद नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने उनको सेलिब्रेट नहीं किया। जैसा नागपुर की अगर हम बात करते हैं, तो नागपुर में एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है बख्त बुलंद शाह नाम से, गोंड राजे बख्त बुलंद शाह, जिन्होंने नागपुर बनाया बसाया। जब मैंने उनकी हिस्ट्री खोजी तो पता चला कि वो एक मुसलमान थे, गोंड ट्राइब से आते थे लेकिन थे वो मुसलमान, और उन्होंने नागपुर बसाया। गोंड लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान कभी नहीं करते, तो हमने अपना हीरो उनको दे दिया। तो ऐसे जो लोकल हीरोज हैं, फिर नेशनल लेवल के हीरोज हैं, जैसा अभी हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश हमने मनाया, मैंने देखा कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस के ग्रुप में उनके लिए आ रहा था,
कि ये वो शख्स था जिसने साउथ इंडिया की औरतों को अपना बदन ऊपर का पार्ट बदन का ढांकने का हक दिलाया, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ये पार्ट हमने उनके लाइफ का कभी लिया ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जितने मौजूद लोग यहाँ हैं अपने अपने शहर का एक कैलेंडर बनाया जाए। देखिए वक्त सबके पास कम है, महीने में एक घंटा उस कैलेंडर में 12 ऐसी शख्सियत जिसमें से 6 लोकल हो 6 नेशनल हो, उसकी बात है, सिर्फ इतना ही करें। और हमारे लोकल हिस्ट्री के टीचर्स भी ये इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, अगर बात करना शुरू हो तो स्टडी भी हो जाएगा। तो ये अगर हम लोकल लेवल पे करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए 70 साल का नुकसान एक दिन में खत्म नहीं होगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तब तक के फैजान साहब भी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, डॉक्टरेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ही विल बी डूइंग इट इंशाल्लाह। तो ऐसी मेरी गुजारिश है, ये किया जा सकता है। लीगल फील्ड में सैयद अनवर अली साहब ने बहुत अच्छा ग्रुप शुरू किया, बहुत चर्चाएं होती है, कई सारे लीगल एस्पेक्ट्स है जो सिर्फ वहीं पे चर्चा हो सकती है। मेडिसिन में कई सारे हमारे हीरोज हैं, उनकी बात होनी चाहिए, ये सब हो सकता अगर हम चाहें। देखिए हम पुणे से, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स से बोल रहा हूँ जी। हमारा एक ग्रुप है मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स, और हम ये आपका जो प्रोग्राम है तो वी आर को डिस्टिंग टू दैट, हम लोग इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं। और आपने जितनी बातें की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपकी ये सारी बातें, अब इसका तो यूट्यूब में आ ही जाएगा तो वो इंशाल्लाह उसकी हम बात जरूर करेंगे, और फिर से एक बार आपको हम फिर से बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। मैं तो बहुत नाचीज हूँ छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम, जकीर हूँ मैं, एक क्वेश्चन नहीं है, मैं 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ इधर। थैंक यू वेरी मच मुझे एडमिट करने के लिए और परमिशन देने के लिए। थैंक यू मिर्जा साहब, आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, हमने कहीं भी कहीं सुना नहीं है, हिस्ट्री की बुक में कहीं पढ़ा नहीं है इन सब हीरोज के बारे में। और इट्स समथिंग विच इज लॉस्ट, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पुणे से हूँ और मैं एक फाउंडेशन रन करती हूँ पाथवेज फाउंडेशन नाम से, और मैं बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ। सो मैं चाहूँगी कि इन लॉस्ट हीरोज को मैं बच्चों को, हमारे कमिंग जनरेशन बच्चे ही है तो उनके हिस्ट्री बुक में तो हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो कंट्रोल गवर्नमेंट का है, पर हम एक अलग से एक बुक बना सकते हैं जिसके अंदर हम ये लॉस्ट हीरोज करके हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हो सके तो हम अगर If it creates a controversy, हम ये कर सकते हैं कि only Muslim heroes की जगह हम एक inclusive book बनाएं जिसमें हर religion के हर एक किस्म के lost heroes को हम include कर सके, जिसमें हमारे और दूसरे मज़हबों के heroes भी आ जाए। सो इट doesn't create a controversy कि ये सिर्फ एक Muslim book क्यों है, Muslim हीरोज की बुक क्यों है। तो इट इज़ एन इंक्लूसिव बुक विच इज़ अबाउट ऑल द हीरोज। और मैं एक मुद्दा रखना चाहूँगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको कुछ नहीं पता, जो कि एक होली बुक की जैसा है। तो अगर हम सिविक्स में जो हमारा पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो सिविक्स में बहुत ही थोड़ा हम लोगों को नॉलेज दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम अगर वो बच्चों को हम स्कूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पार्ट हम थ्रू आउट यानी 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक उनको पढ़ाए, तो हमारे हर एक बच्चे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होगा है। और दे कैन स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स व्हेन दे आर कहीं कोई प्रॉब्लम है, जब वो आते हैं तो दे कैन देमसेल्फ कैन स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स।
तो हम किसी और को उनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना ताकत अपना लड़ सकते हैं। तो ये एक मैं कहना चाहूँगी। एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम माई साइड, मैं मेरे मुझसे जितना होगा वो मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस तो हमसे बहुत ज़्यादा है। नहीं 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 सर, ऐसा मत कहिए। तो जैसा मैंने अभी कैलेंडर की बात कही, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, दो तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 26 नवंबर उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्योंकि उसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो पास किया था, और 26 जनवरी जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स एनफोर्समेंट पे आया था वो दिन मनाते हैं। तो अगर आप हर महीने की 26 तारीख को आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएं, एक घंटा दे तो काफी होगा। दूसरे आपको जो डर है कि अगर हम मुस्लिम हीरोज को पब्लिश करते हैं तो कोई कंट्रोवर्सी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है जब तक कि आप किसी दूसरे के हीरो को गाली नहीं देते हैं। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, मैं अपने फादर को अगर सेलिब्रेट कर रहा हूं तो मेरे पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, जब तक कि मैं ये ना लिख दूं कि मेरा पड़ोसी मेरे फादर को बहुत तकलीफ देता था। तो हमने एक्सक्लूसिवली ये करना चाहिए, और बिल्कुल एक बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, हम लोग भी कोशिश करेंगे, लीगल एड ग्रुप वाले हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद फिर हो सके तो ये 2-3 महीने में एक बुकलेट तो बना ही सकते हैं, क्योंकि कुल 28 ही पेजेस चाहिए हमको, क्योंकि फंडिंग ये प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे कामों में कोशिश करनी होती है। जैसा अभी कोरोना में आपके कोल्हापुर से पूना से बहुत अच्छे मराठी में बुक्स पब्लिश हुई है, एक तो बुक हुई जिसका मैंने रिव्यू लिखा था महाराष्ट्र टाइम्स में छपा, मराठी में आई थी कि कोरोना मुसलमानांनी हिंदूंना केलेली मदद, एक हिंदू ने लिखी हुई है, रन सुबह करके राइटर है कोल्हापुर से, उन्होंने मुसलमानों ने कोरोना में जो हिंदुओं की मदद की थी उस पर एक बुकलेट लिखा, छोटी सी बुक है लेकिन उन्होंने लिखी कंपाइल की, और महाराष्ट्र टाइम्स ने मैंने उस बुक पे जो रिव्यू लिखा वो भी छापा, तो कोई बुरा नहीं मानता, हम पॉजिटिव चीजें करेंगे तो उसके रिपोर्ट्स हमको पॉजिटिव ही मिलेंगे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो मुल्क की फलाह बहबूद में हमारे बुजुर्गों ने जो रोल अपनाया था वो सामने ला है। तो इंशाल्लाह आपके लीडरशिप में मैडम ये करते हैं, लेट अस डू इट। सर ऐसा कहिए, लीडरशिप मेरी बिल्कुल नहीं है, मेरी उम्र भी बहुत छोटी है और एक्सपीरियंस भी बहुत ही कम है। अभी मैंने जैसा फैजान के बारे में कहा, देखिए सचमुच हम अपनी जनरेशन को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हम अगली जनरेशन को किस तरह का मुल्क और फ्यूचर देके जा रहे हैं। हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी अब आप ही के हाथ में, हमारी गलतियों के लिए हमको माफ कीजिए और लीडरशिप हमसे लीजिए। देखिए हमारे पूना में अंजुम इनामदार बोल के है साहब, आपने नाम सुना होगा, और उन्होंने बहुत काम किया, और कुछ पिछले दिन पहले वो हमारे पास आए थे और उन्होंने पूरे पेपर के कटिंग्स रखा है कि जहां इन्होंने मैक्सिमम जो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी लाशें जो डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया, तो ये जो हमारे अंजुम इनामदार साहब का जो ग्रुप था उन्होंने जाके और उन्होंने वो सारे पेपर के कटिंग कंपाइल किया है। मूलवासी, बिल्कुल। और उस बुक में मुझे उस बुक से ही पता चला, और उस बुक में 3 पेजेस उनको डेडिकेट किया है उस राइटर ने। अच्छा हाँ, 3 पेजेस। तो अब हम मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वी आर जस्ट थिंकिंग हाउ टू पब्लिश द बुक एंड हाउ टू फाइनेंस। मैं आपको सैयद अनवर अली साहब के थ्रू वो बुक का डिटेल्स भेजता हूँ। देखिए अगर किसी राइटर ने लिखा है तो आपने वो बांटना चाहिए उससे छपवा के। नहीं नहीं, वो हमारा ही प्लान है सर। तो आप उनसे वो खरीद, उनको ऑर्डर कीजिए, वो आपको छाप देंगे। तो यस यस। और ये जो मैडम जो बात कर रही थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुस्लिम चैंबर्स को ज्वाइन अप करें, बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी बिग ग्रुप एंड वी हैव डूइंग लॉट ऑफ वर्क थ्रू बिजनेस मैन, यू नो दैट। तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन अप करें, हम सब मिलकर करते हैं। मैम आप है, सुन रहे हैं मुझे? ये हाँ सर, मैंने जस्ट लिखा चैट में, श्योर सर। Okay. मुझे निसार सर कब से yes, तो आप हम... हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ, तो आप मैं निसार का भाई हूँ।
मैं निसार का भाई हूँ। मैं जानती हूँ आप। यस यस थैंक यू सो मच। आपसे हमारे साथ में जुड़े आप तो यस तो वी कैन डू लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। वी वांट लाइक माइंडेड पीपल यू नो हु कैन रियली वर्क और जिनका एक ही मकसद है कि कोई अपनी उम्मत की भलाई के लिए का नाम से कोई मकसद नहीं रख कोई ऐसी ये हमारे अंजुम इनामदार साहब ने बहुत काम किया और ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कर दीजिए वो निसार साहब ज्वाइन नहीं हो पाए तो अनवर साहब एक मिनट जस्ट है सी ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत शुक्रिया है लेकिन अपना अप्रोच में थोड़ा एडवांसमेंट लाना है जैसे वीडियो ऑन कीजिए सर ऑप्शन नहीं है ये बोल रहा हूँ टैप टू स्पीक ओनली वो ये कि ऑप्शन दे रहा बाकी का ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे को शायद वो म्यूट कर दिए शायद अपने एडमिन ने सो मेरे को एक ही ऑप्शन आ रहा ओके कैन आई प्रोसीड अपने कम्युनिटी में प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा नहीं है सपोर्ट भी नहीं है बल्कि वी आर ए ग्लोबल सिटीजन वी हैव स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड देर आर पीपल आर देर जैसा सार बोले थे अपने लोग हिस्ट्री नहीं पता है पूरे इंजीनियर्स बन के वर्ल्ड में घूमे हो गए हैं उनके जॉब में उनके हाई क्वालिटी लग्जरी लाइफ में सब लोग घूमे हो गए हैं लेकिन आप एक रिक्वेस्ट क्या है बोले तो वी हैव टू एडवांस आवर अप्रोच बुक के साथ साथ है डिजिटल मीडिया भी लाना है सब कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड को एक जगह लाना है सो दैट एवरीबडी इज रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट मनी कॉन्ट्रीब्यूट टाइम एंड एवरीथिंग सो मैं ये पूरे लॉयर्स को और चैंबर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वी हैव टू स्प्रेड अवर विंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंशाल्लाह। और क्या है कि हमको कंट्रोवर्सी से बिल्कुल डरना नहीं है सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करो यू कम इन टू पिक्चर कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। मेरा नाम जकीर है अनवर साहब का क्लासमेट हूँ मैं दोस्त हूँ वन ऑफ द मैक्सेल कोर्स में सो आई विल टेक ऑल योर डिटेल्स मैं ये अप्रोच लाना चाह रहा हूँ वी आर ए ग्लोबल सिटीजन वो कम्युनिकेट करो अपने कम्युनिटी को वी कैन लिव एनी वेयर इन द वर्ल्ड बट वी वॉन्ट ए प्लेस इन इंडिया बिकॉज इट इज अवर ग्रांड पेरेंट्स प्लेस इट्स नॉट लाइक दैट वी कैनॉट लिव एनी वेयर वी कैन लिव Anywhere, we are a global citizen. So, yes, वो communicate करना चाह रहा हूँ अपने young generations को. Thank you, sir. तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी वक्त हमने सबका ले लिया है. हाँ सर, मैं एक last इस पे मैं finish करूँगा कि हम लोग क्या हो रहा है कि controversies बोल के हम लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं. See, unless you create controversies, people will not look at it. No one kicks a dead dog, sir. So you have to create all these things. Bring into our controversies ke wajah se, hamari ye jo heroes hai na, ye khatam ho gaye, sir. So humko itko lana padega, agar controversy hai, to controversy karni padegi, sir. Kya aap meri raay se sehmat hai? Nahin, main hamesha mera ye manna hai. Dekhiye, agar aap mere YouTube channel pe bhi dekhen. तो जितने या लोकमत में हर 15 दिन में मेरा एक आर्टिकल छपता है. अच्छा, आर्टिकल था मेरा कि ये जो फोर्थ ये है यानी चौथा स्तंभ लोकशाही का यानी न्यूज़पेपर इटसेल्फ इनको ऑडिट होना जरूरी है. मुझे लगा था वो नहीं छापेंगे लेकिन उन्होंने छापा. तो इन सारे टॉपिक्स पर मैं लिखता भी रहता हूँ और बोलता भी रहता हूँ लेकिन मेरा ये यकीन है कि आप सच बोलिए कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है और जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है तो कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं सकती क्योंकि अगर किसी को कंट्रोवर्सी करना है तो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उसको सामने आके खड़ा होना पड़ेगा फिर जो उसके पास नहीं है. सिर्फ हमको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि आप जो फैक्ट्स कर रहे हैं आप जो फिगर्स कोट कर रहे हैं उसको कोई काउंटर ना कर पाए. जब वो कर पाया तो कंट्रोवर्सी तो हम तो हमारी बात करेंगे करते ही रहेंगे और करते ही रहेंगे इंशाल्लाह. आप सच बोलते रहिए साहब और कंट्रोवर्सी हो तो कोई हरकत नहीं नहीं कुछ बस आप जब सच बोल रहे हैं
देखो हुजूर ने जब पैगाम लेकर आया तो काफी लोग उनके खिलाफ थे, पर ही परसिस्टेंट इन मिशन, और आज वो मिशन आप देख रहे कि कितना कामयाब मिशन है, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब हमारा। चलो शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आप वोट ऑफ थैंक्स बोलना चाहेंगे निसार साहब के? क्या बोले साहब आप? वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कर दीजिए। क्या बोले सर? वोट ऑफ थैंक्स आप प्रपोज कर दीजिए। मैं करूं? हाँ निसार साहब ज्वाइन नहीं किए। अरे निसार साहब हमारा को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इसलिए वो रह गया है साहब। नहीं नहीं चलो भाई, मैं मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ। गफ्फार सर जी बोलो। जी हम फैजान बोल रहे हैं। बोलो सर। सर अभी हमारी जो तालीम है वो अभी पूरा में हो रही है, क्योंकि अगर आप इजाजत दें तो हम आपसे कुछ बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह जरूर है। तो मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन करो ना सब। इंशाल्लाह करेंगे। यस ज्वाइन, वी नीड यंग पीपल लाइक यू। ज्वाइन अप। थैंक यू। यंग पीपल यस आपके लिए कभी भी हाजिर है। यस नहीं अगर मैं वोट ऑफ थैंक्स में आई एम रियली अ वेरी स्मॉल मैन एंड देर आर सो मेनी एजुकेटेड पीपल हियर तो मे बी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ और इतने नाम जो हमारे काजी साहब ने बताए वो हमारे लोगों को हमारे जनरेशन में नहीं मालूम है, तो ये नाम को हम कैसे एलोबरेट कर सके, कैसे सामने ला सके और किस जरिए से हमने सामने ला सके वो हमने कोशिश करने चाहिए। मैं हमारे मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये बात हमारे मीटिंग में मैं जरूर रखूंगा कि हाउ ये एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट बनेंगे और इंशाल्लाह हम करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी अब इतने तादाद में आप लोग सब जुड़े, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये वेबिनार जो है हमारी मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स हर फ्राइडे को एक वेबिनार कर रही है हर चीज के बारे में, यानी जो बिजनेसमैन जो हमारे मुस्लिम है, यानी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता, एक ड्राइवर ने अप्लाई किया था, मैं कोविड के वजह से आई लॉस्ट माई जॉब एंड वी पुट इन द अवर व्हाट्सएप एंड ही गॉट अ जॉब। तो हम ये चाहते कि ये हमारा सिस्टम चलता रहे। मैं वो मैम को भी ऑर्डर करेंगे, आप हैंडसम मैन, आई टेल यू यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, वी आर अ वेरी गुड ग्रुप, गुड पीपल, एजुकेटेड पीपल। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सिलसिला। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस मीटिंग को कामयाब करे और हमारे में ये जज्बा पैदा करे कि हम हमारे लोगों को सामने लाने की कोशिश करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम अब प्रोग्राम को फॉर्मली क्लोज करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी हम आपके मम्मी को मशहूर है सर, आपने हमारी आवाज हमको कबूल की, मुझे मौका दिया, सबसे मुलाकात हुई। मैं माया लगा तारुफ पेश नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको सुने जो हमारे स्पीकर है, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर टॉपिक पे। महाराष्ट्र लॉ एसोसिएशन अभी हमने बनाया 23 फरवरी 2020 पे इसका लॉन्च हुआ। अब्दुल हाफिज जी जो सॉलिसिटर है लंदन के ही आए थे और हमने इस्लाम जिम खाना में मीटिंग ली और हम अभी 2 महीने हुए इस पे काम। इससे जो मुस्लिम जितने यंग लॉयर्स हैं महाराष्ट्र के वो सबको जोड़ के उनके थ्रू वी आर कम्युनिकेटिंग टू द, हमने लॉकडाउन में बहुत सारे कम्युनिकेशन किया गवर्नमेंट से।